तो हे गाइस, मेरा नाम है सत्यम और आज के स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द डिपेंडेंट सोर्स। कि डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, डिपेंडेंट सोर्स क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक नेटवर्क एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, या सबसे ज़्यादा जो हमारा डिपेंडेंट सोर्स का यूज़ होता है, वो यूज़ होने वाला है अनलॉक सर्किट में, जब हम एम्पलीफायर को डिज़ाइन करते हैं। अगर आप एक ट्रांजिस्टर की बात करते हो, ट्रांजिस्टर से अगर आप एक एम्पलीफायर बनाना चाहते हो, या फिर आप एक ओपेम की बात करते हो इंटरनल स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर आप देखते हो कि हम जो यूज़ करते हैं वो डिपेंडेंट सोर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि जब आप एम्पलीफायर को डिज़ाइन करते हो, तो बेसिक हमारा जो फंडामेंटल पार्ट होता है, वो होता है हमारा एक डिपेंडेंट सोर्स की। कैसे हमारा डिपेंडेंट सोर्स से काम कर रहा है, किसी और वोल्टेज पे या करंट पे डिपेंड कर रहा है, जिसके थ्रू हम जो हमारा ऑपरेशंस हो रहा है उसको हम परफॉर्म करा रहे हैं, जो हमारा सर्किट है वो किस तरह से काम करता है। तो आज के वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात किसकी पे करेंगे, वो बात करने वाले हैं हम लोग पूरा का पूरा जो बात करेंगे, वो डिपेंडेंट सोर्स के बारे में बात करेंगे। और डिपेंडेंट सोर्स को जानेंगे क्या कि डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, हम डिपेंडेंट सोर्स की किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिक हम देखने वाले हैं अबाउट डिपेंडेंट सोर्स। तो डिपेंडेंट सोर्स को समझने से पहले हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि डिपेंडेंट सोर्स का जो हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, और डिपेंडेंट सोर्स कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, तो आपको कहीं भी ये सर्किट में, या किसी भी सर्किट में अगर आपको एक डायमंड शेप देखने के लिए मिलता है, तो आप समझ जाओ वो हमारा डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, तो हमारा एक इस तरह का अगर हमें शेप देखने के लिए मिलता है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट क्या करता है, एक डिपेंडेंट सोर्स रिप्रेजेंट करता है। अब डिपेंड ये करता है कि ये डिपेंडेंट सोर्स किस तरह का है, कि करंट कंट्रोल्ड है या फिर वोल्टेज कंट्रोल्ड है, किस तरह का ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स है, वो भी हम धीरे धीरे करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा होता क्या है कि हमारा इस तरह का एक सोर्स हमें देखने के लिए मिलता है। एक नॉर्मल आप पावर सप्लाई की बात करते हो, तो नॉर्मल आपको जो सप्लाई होता है वो कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है ना। बट हम जो हमारा जो डिपेंडेंट सोर्स होता है वो इस तरह का देखने मिलता है डायमंड शेप के हमें। अब हमारा जो बेसिक होता है डिपेंडेंट सोर्स, वो चार तरह के होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो ये है हमारा प्लस माइनस इंडिकेट करेंगे, यानी ये हमारा किस तरह का होगा, दैट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, ये हमारा प्लस माइनस होगा तो ये क्या होगा, हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड। और दूसरा जो हमारा होता है दैट इज करंट कंट्रोल्ड। ठीक है, कंट्रोल्ड, कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ पे बेसिक यही हो रहा है कि हमारा जो सोर्स है, जो हमारा सोर्स का बिहेवियर होने वाला है, वो किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। अगर करंट सोर्स की बात करता हूँ, तो करंट सोर्स या तो वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड करेगा, या तो करंट सोर्स पे डिपेंड करेगा। उसी तरह से अगर मैं वोल्टेज कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, तो ये जहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, या तो ये कंट्रोल करंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो ये है हमारा करंट कंट्रोल, ठीक है, सीसी। तो ये दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। अब जो हमारा डिपेंडेंट सोर्स होता है बेसिक, वो चार तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, मैं इस फर्स्ट वन बात करूँगा, तो वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। सेकंड होता है हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, थर्ड बात करूँगा तो हमारा होगा करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। एंड फोर्थ वन जो हमारा होगा, दैट इज़ करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे जो मेन टर्म आ रहा है, दैट इज़ वोल्टेज सोर्स, मीन्स क्या हो रहा है कि हमारा जो सर्किट है वो वोल्टेज है, बट कंट्रोल जो कर रहा है वो क्या कंट्रोल कर रहा है, हमारा करंट कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो मेन जो हमारा रिस्पॉन्सिबल है वो यहाँ पे क्या पे है, करंट है। तो हम इन चारों के बारे में देखने वाले हैं कि ये चारों किस किस तरह से काम करता है, और आपको एक बेसिक एग्जांपल लेकर के भी अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, और बेसिक हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो फर्स्ट वन की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारा है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट, अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं, तो बेसिक सी बात है कि हमारा जो सोर्स होने वाला है वो किस तरह से होने वाला है, वो हमारा होने वाला है एक वोल्टेज के फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा बेसिक क्या हो रहा है, ये हमारा वोल्टेज के फॉर्म है, दैट इज़ प्लस माइनस। ठीक है, ये हमारा क्या है, वोल्टेज के फॉर्म में। अब वोल्टेज के फॉर्म में है, तो बेसिक जो हमारा कहने का ये तात्पर्य है कि हमारा जो वोल्टेज कंट्रोल, दैट इज़ वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है,
मतलब कि क्या हो रहा है कि जो हमारा वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड कर कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज सोर्स जो है ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। यानी अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो हमारा वोल्टेज है जो दैट इज़ V की अगर मैं बात करता हूँ तो K टाइम्स ऑफ V1 हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है हमारा कि जो हमारा वोल्टेज है यहाँ पे दैट इज़ V1, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा इस वाले वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी ये वोल्टेज जो इसका है ये V1 पे डिपेंड कर रहा है ना, यानी हमारा क्या होगा किसी न किसी वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। उसी तरह से अगर मैं एक और बात करता हूँ, सेकंड लेता हूँ, दैट इज़ वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, तो यहाँ पे क्या हमारा हो रहा है बेसिक कि हमारा जो सोर्स है वो कौन सा सोर्स है, दैट इज़ करंट सोर्स। ठीक है, तो हमारा सोर्स किस तरह का है, वो एक करंट सोर्स है ना, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये हमारा किस तरह का वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, बट ये डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है ना। करंट सोर्स तो हमारा है ही ये करंट सोर्स, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, वोल्टेज पे कर रहा है। यानी करंट सोर्स जो हमारा है वो बेसिक किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से रिजल्ट आया। ठीक है ना, वोल्टेज किस पे डिपेंड, हमारा जो वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिक करंट पे डिपेंड कर रहा है ना, तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स हो गया। अब उसी तरह से एक और हमारा आता है, दैट इज़ थर्ड वन जो हमारा होता है दैट इज़ करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है। करंट सोर्स मतलब करंट ही हुआ, डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पे कर रहा है। तो ये हमारा एक क्या हो गया बेसिक, हमारा ये एक करंट सोर्स है क्योंकि करंट सोर्स की बात हो रही है, और बट ये डिपेंड किस पे कर रहा है, हमारा ये करंट सोर्स है, यानी करंट सोर्स है वो करंट पे ही डिपेंड कर रहा है, यानी करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो I इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ के टाइम्स ऑफ आई डैश। ठीक है, यानी ये जो करंट है मेरा आई, ये किसी न किसी आई डैश जो करंट है वो आई पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। उसी तरह से हम एक और बात करते हैं, तो मेरा फोर्थ वन है, और फोर्थ वन के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, फोर्थ वन में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और फोर्थ वन जो हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है, दैट इज़ मैंने कौन कौन से लिया, करंट सोर्स यानी करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स के बारे में मैं बात करूंगा। यानी यहाँ पे जो हमारा सोर्स होने वाला है वो किस तरह का होने वाला है, वोल्टेज सोर्स एक होगा और वो डिपेंड किस पे करेगा, करंट पे करेगा। यानी प्लस माइनस ये क्या है, हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, और ये वोल्टेज सोर्स किस पे डिपेंड करेगा, कंट्रोल करंट पे डिपेंड करेगा, है ना। यानी हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो वोल्टेज सोर्स जो होगा दैट इज़ वोल्टेज इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ करंट हो गया। ठीक है, के हमारा क्या है, के हमारा कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। तो हमारे पास चार फॉर्मूला आए, अगर मैं वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की बात करता हूँ तो जो वोल्टेज होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, करंट सोर्स, और जो हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है वो वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे करेगा। उसी तरह से अगर मैं करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स की बात करता हूँ तो जो हमारा करंट होगा जो वो किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारा आउटपुट करंट होगा वो किसी और करंट पे डिपेंड करेगा। अब ये डिसाइड हमें करना है, या हमारा सर्किट्स में गिवन होगा कि हमारा जो करंट है ये इस करंट को किस कहाँ पे हमें डिफाइन करना है, कहाँ पे ये करंट होने वाला है। उसी तरह से अगर मैं इसकी बात करता हूँ, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है दैट इज़ वोल्टेज पे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक करंट सोर्स होता है। अब इससे रिलेटेड मैं एक आपको न्यूमेरिकल लेकर के दिखाता हूँ कि एक्चुअल हमारा होता किस तरह का है करंट कंट्रोल सोर्स का एग्जाम्पल, कहाँ से हम करंट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए, जब वो डिपेंडेंट सोर्स को देखता है, डिपेंडेंट सोर्स जब वो एनालिसिस करता है तो उसको किस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो वो चीज़ आपको आपके साथ नहीं होंगी धीरे धीरे, बट आप प्रैक्टिस करोगे जिस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे तो आपको ये चीजें क्या होंगी, आसान होंगी धीरे धीरे। तो उस चीज को भी मैं अभी देखा बताता हूं आपको। ठीक है, सो लेट्स, आई हैव टेकन अ एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे। सपोज दैट कि आई हैव अ वोल्टेज सोर्स दैट इज प्लस माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, मैं 10 वोल्ट क्या करता हूँ यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, जो हमारा क्या है एक इनपुट वोल्टेज है। तो इससे मैं क्या करता हूँ, एक रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ। ठीक है, एक रेजिस्टेंस मैं सपोज करूँ मैं ले लेता हूँ 5 ओम का। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, या चलो मैं 5 की जगह 1 किलो ओम का मैं एक क्या करता हूँ, एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या मैं करता हूँ, एक रेजिस्टेंस और मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, एक रेजिस्टेंस और मैं लगाता हूँ, इसको सपोज करो मैं ले लेता हूँ 2 किलो ओम। ठीक है, और यहाँ से मैं एक लगाता हूँ डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, एक मैं डिपेंडेंट सोर्स क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसे लगा दूंगा। ठीक है, और इस वाले को मैं क्या करता हूँ, एक ग्राउंड कर देता हूँ। ठीक है, अब इस वाले डिपेंडेंट सोर्स को मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से करंट सोर्स दे देता हूँ, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ दैट इज़ 5 टाइम्स ऑफ आई, और आई जो है वो मेरा यहाँ से फ्लो कर रहा है। ठीक है,
तो आपको हमेशा ये चीज़ें क्वेश्चंस में गिवेन होंगी कि हमारा ये आई है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इस वाले करंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये जो मेरा 5i है, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से रॉ बनाऊं तो ये जो मेरा 5i है यहाँ से, ठीक है, जो करंट जा रहा है दैट इज़ 5i, ठीक है, ये क्या है हमारा 5i है, लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये आई पे डिपेंड कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है। सो ये हमारा जो किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर इस वाले को मैं आई है तो आई हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, 5i पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यानी ये हमारा किस तरह का हो गया, दैट इज़ करंट सोर्स है ये ऑलरेडी, तो करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स का ये एक सर्किट है हमारा। अब इस सर्किट्स में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इस आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पर से कितना करंट हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करंट फ्लोइंग थ्रू डिपेंडेंट सोर्स। तो हमारा सोर्स से कितना करंट फ्लो कर रहा है, हमें बेसिक ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड लगाऊँगा और वो मेथड हमारा होगा दैट इज़ नो, उस मेथड से हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और हम यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं अप्लाई करने का, वो है हमारा KVL। KVL यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो इस लूप में मैं क्या करूँगा, हमारा करंट आई फ्लो ऑलरेडी कर रहा है, तो यहाँ से आई फ्लो कर रहा है, बट यहाँ से क्या हमारा फ्लो करेगा, देखो यहाँ से हमारा 5i आ रहा है और यहाँ से हमारा आई आ रहा है, तो इसमें कितना करने वाला है, दैट इज़ 5i प्लस आई। अगर आपने मेरा करंट KCL और KVL का वीडियो नहीं देखा है तो वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाल के रखा हूँ, लिंक आप आई बटन में जाकर चेक कर लेना, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि हम कैसे KVL और KCL लगाते हैं। वीडियो लंबी है, 20-25 मिनट की वीडियो, बट उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर किया हुआ हूँ, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगा। तो आप KVL और KCL के लिए वहाँ से जाकर के आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो दैट वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या किया फ्लो, 5i प्लस आई, हम इसमें अब KVL लगा रहे हैं, तो इस लूप में अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा दैट इज़ -10, क्योंकि माइनस टर्मिनल से इंटर कर रहा है, यहाँ माइनस टर्मिनल से इंटर कर रहा है, सो दैट कि मैं क्या किया, मैंने -10 लिखा, -10 प्लस 1i, ठीक है, एंड प्लस 2 kΩ 2 × 5i प्लस आई, ठीक है, ये 5i और ये आई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या देखने के लिए मिला, -10 प्लस आई प्लस 5 × 5 और प्लस 1 6 × 12i इज इक्वल टू 0, और 12 + 1 दैट इज 13i इज इक्वल टू 10, एंड आई इज इक्वल टू 10/13 mA, ठीक है, 13 mA, क्योंकि रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एक चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ आप याद रखना कि अगर आपका करंट, ठीक है, यदि और रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है कि यदि आपका रेजिस्टेंस अगर ओम में है तो करंट आपका एम्पियर में होगा, और यदि ये किलो ओम में है तो ये आपका मिली एम्पियर में होगा, ठीक है, उसके ऊपर तो हम जाते नहीं, तो ये बेसिक चीज़ आप याद रखना। तो हमारा किलो ओम में था तो बाई डिफ़ॉल्ट हमारा क्या हुआ, जो करंट आया वो मिली एम्प्स में आया, ठीक है, तो ये हमारा करंट निकल गया, आई की वैल्यू में पता चल गई। अभी हमें आई की वैल्यू ये पता चली है, बट हमें पूछा कहाँ गया है, देखो अब क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपसे जो केवल आप आई निकाल करके सोचोगे कि मैं करंट निकाल दिया हूँ, तो आप यहाँ पे गलत मिस्टेक करोगे। क्यों मिस्टेक करोगे, क्योंकि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द डिपेंडेंट सोर्स, आपको इस वाले सोर्स से आपको करंट बताना है कि ये करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हमारा डिपेंडेंट सोर्स से करंट अक्रॉस डिपेंडेंट सोर्स की बात करेंगे तो 5 times ऑफ आई है, यानी कि 5 × 10/13 यानी कितना हो गया, 50/13 यानी ये लगभग हो जाएगा 3.3 mA, ठीक है, ये इतना करंट क्या होगा आपका बेसिक फ्लो करेगा इस सर्किट से। तो ये हमारा यहाँ से बेसिक क्या आया, 3.3 mA हमारा करंट आया, मतलब इस वाले यहाँ से जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 3.3 mA का क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो बेसिक डिपेंडेंट सोर्स में हम इस तरह की चीज़ें ही देखते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं डिपेंडेंट सोर्स को, बहुत सारे इसमें एप्लीकेशंस होते हैं। आने वाले टाइम्स में आपको जब एम्पलीफायर के बारे में बताऊंगा तो वो चीज़ें भी डिस्कशन करूंगा कि कैसे एक एम्पलीफायर हमारा काम कर रहा है ना, कैसे एक एम्पलीफायर को डिज़ाइन करने की जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक डिपेंडेंट सोर्स की।
तो वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब, अपना कोई भी थॉट है उसे कमेंट करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।